तुम्हारे शहर में फाइलों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोड़वी की मशहूर लाइनें तो आपको याद होंगी, यह लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं अमेठी की सड़कों पर। अमेठी की सड़कों के हालात ऐसे हैं कि जब आप भी उन सड़कों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो कहेंगे शर्मनाक। BBIP जनपद अमेठी की कई सड़कें जर्जर हैं, उन सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कागजों का काम होता है, धरातल पर कोई भी काम नहीं होता। बात अगर अमेठी की करें तो अमेठी जिले की कई सड़कें, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की हों या फिर शहरी क्षेत्र की, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, सड़कों पर तालाब जैसे हालात हैं। सड़कों पर कई बार काम चलने के बाद भी सड़क दुरुस्त नहीं हुई। जिले में सबसे ज़्यादा गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र, जामवारिसगंज, रामबक्सगढ़ के साथ दूसरे स्थान पर अमेठी विधानसभा की वे जर्जर सड़कें हैं, जिनमें कालीकंधाम को जाने वाली सड़क के साथ अमेठी से भादर मार्ग शामिल है। इसके अलावा कई सड़कें तो ऐसी हैं जो आज तक विभागीय अधिकारियों के जहन और दिमाग में आई ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार सड़कों पर काम लगा लेकिन हीला हवाली और गुणवत्ता विहीन काम होने के कारण सड़कें टूट जाती हैं। स्थानीय निवासी राम प्रकाश सिंह कहते हैं कि सड़कों के हालात बहुत ही खराब हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कों पर पानी भरा रहता है, लोग गिरकर चोट खा जाते हैं और सबसे बड़ी समस्या ठेकेदार भी गड्ढा खोदकर चले गए हैं, उन सड़कों को ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं जिम्मेदारों ने इस पूरी शिकायत पर कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जो भी सड़कें जर्जर हैं वह जल्द ही दुरुस्त कर दी जाएंगी। लगातार सड़कों पर काम चल रहा है और सड़कें बन रही हैं, स्थानीय लोगों की शिकायत का भी ध्यान दिया जा रहा है। आइए स्थानीय लोगों से ही सुनते हैं कि किस प्रकार की शिकायत है उनके जर्जर सड़कों को लेकर। बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ एक 500 मीटर खोद दिया है नाना घाट के पुल के आगे, तो वो तो और ज्यादा दिक्कत कर रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत। हाँ, शिकायत हुई इसकी कई बार? अब हम ये सब नहीं जानते शिकायत हुई कि नहीं। क्या मांग है आप लोगों की? अब मांग क्या, अब सड़क बननी चाहिए, इसका ठेका हो गया है लेकिन बन नहीं रही, पता नहीं क्यों, इसको बनना चाहिए ना। अरे आओ जाए में दिक्कत है, टहल हो रहे लोग, गिर पड़ रहे, मोटरसाइकिल नहीं चला, देख रहे आप पानी भरा है, अब पानी के किनारे कई लोग निकल रहे हैं, सड़क के किनारे किनारे उन्होंने खोद भी दिया है, कोई ठेकेदार आए थे और उसके बाद भी इस पर कोई सांसद यहाँ है तो नहीं बन रहा है, तो कैसे बन पाएंगे? इधर का कोई ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि यहाँ विधायक सपा के हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान देती, गवर्नमेंट को तो चाहिए कि नजर से न देखें किसी को ना। ठीक, थैंक यू।